पठान को लेकर प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा है। शाहरुख खान की 4 साल के लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी उनके कई प्रशंसकों के लिए एक उत्सव है। बॉलीवुड बादशाह की वापसी का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में शाहरुख के फैन क्लब ने 25 जनवरी को पूरे शो खरीदे हैं। एक्शन फिल्म को दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने बढ़ाया है। कोलकाता ने महत्वपूर्ण शहरों में अग्रिम बुकिंग के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देखी है। शाहरुख खान के पसंदीदा शहर के 50% से ज्यादा टिकट 1 घंटे में बिक गए। फिल्म के विवाद ने सिने प्रेमियों की रुचि को बढ़ा दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्रशंसक उन्मादी हो गए हैं। कोलकाता की 257 सीटों की परफॉर्मेंस 10 मिनट में बिक गई, रिपोर्ट कहती है। कोलकाता के सबसे प्रमुख शाहरुख फैन ग्रुप ने पठान के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए एक टी शर्ट डिजाइन की। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने फिल्म के पहले दिन के संग्रह को 35 करोड़ होने का अनुमान लगाया है, जो कि कामकाजी बुधवार को देखते हुए जबरदस्त है, और 26 जनवरी को संग्रह 45 करोड़ से अधिक हो जाएगा। शाहरुख खान के प्रशंसकों को लगता है कि वो अभी भी सबसे बड़ा सामूहिक ड्रॉ है और उनकी 4 वर्ष की अनुपस्थिति बॉक्स ऑफिस पर अधिक उत्साह और करिश्मा लेकर आई है।